नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में मैं मारुति 800 का कार का जो अल्टरनेटर है वो बाहर निकालने वाला हूं। तो कैसे निकालूंगा वो बताऊंगा और फिर इसको जो है बनवाने के लिए ले भी जाऊंगा, क्योंकि इसका अगर कोई पार्ट ख़राब होगा तो वो शहर में ही मिलेगा। तो इसलिए इसको बनवाने के लिए वैसे तो बना भी सकता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो मुझे दिखा के ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पार्ट्स जो है बिना देखे दुकान वाले यहाँ देते नहीं हैं जल्दी। क्योंकि अगर वो दे भी देंगे तो फिर वो रिटर्न नहीं करेंगे, उसके बदले दूसरा भी नहीं देंगे, वो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कार का अल्टरनेटर निकाल के फिर इसको ले जाऊंगा बनवाने। तो चलिए सबसे पहले हम जो है कार का बम्पर खोल लेते हैं, फिर अल्टरनेटर निकालते हैं। अल्टरनेटर ये बम्पर है कि यहाँ से कसा है, फिर इसके पीछे है इंडिकेटर के पीछे, फिर इसी तरह दूसरे साइड भी है। तो इसको फटाफट से जो है खोल लेते हैं, खोल के फिर अल्टरनेटर खोल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं बम्पर जो है मैंने हाफ खोल दिया है। यहाँ से जो है अल्टरनेटर काफ़ी क्लियर दिख रहा है। हमें यहाँ पे ये वाला खोलना है और एक यहाँ पे ये टाइट होता है यहाँ पे, और एक ये खोलना है। इतने से ही जो है अल्टरनेटर बाहर आ जाएगा, फिर हम इसको ले जाएंगे बनवाने के लिए। चलिए मैं इसको फटाफट खोल लेता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं मैंने अल्टरनेटर जो है यहाँ से निकाल दिया है। तो जैसे यहाँ से क्लियर जो है इसमें कसा रहता है, और एक यहाँ पे है एडजस्टिंग के लिए। ये यहाँ से देखेगा, ये एडजस्टिंग वाला है, जैसे हाँ मैंने उंगली रखा है, ये एडजस्टिंग है। अब इसको जाते हैं शहर में बनवा के, इसका अगर कटआउट ख़राब हो तो कटआउट चेंज करा देंगे। तो ये अल्टरनेटर जो है ये मैं बनवाने के लिए ले गया था। तो हुआ ये कि ये जैपनीज़ कार्बोरेटर है, तो मेरी गाड़ी में ऑलरेडी एक जैपनीज़ इंजन लगा है कार्बोरेटर बेस्ड। तो इसका जो कटआउट है वो काफ़ी महंगा है, तो जितने में अगर मैं कटआउट लगवाने जाऊंगा उतने में तो मुझे अल्टरनेटर सेकेंड हैंड मिल जाएगा। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि कल इसको रिप्लेस करके मुझे कबाड़ में से एक ठीक ठाक जो है अल्टरनेटर मिल जाएगा 1000 रुपये के अंदर अंदर। तो वो जो मैं लेके आऊँगा उसे अब जो है अपनी 800 में लगाऊँगा। तो ये जो है इसको देखिए मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी साफ़ कर दिया है, कि ये ना लगे कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि ये अल्टरनेटर जो है 24 साल से तकरीबन साफ़ ही नहीं हुआ था। तो इसके जो कॉयल वगैरह हैं आप देख सकते हैं, उसमें कॉयल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डर्ट बैठ गया है। तो ये 24 साल से अल्टरनेटर साफ़ नहीं हुआ था, और इसके अंदर जो है जो कटआउट होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि अगर इसको चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ बाइक की तरह, कि जैसे आपका अल्टरनेटर घूम रहा है, लेकिन आपकी जो गाड़ी है कार जो है वो डिपेंड हो जाएगी बैटरी के ऊपर कम्प्लीटली, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। क्योंकि उसमें मुझे ये नहीं पता चलेगा कि असल में अल्टरनेटर बैटरी चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार में इस तरह के छेड़छाड़ करना ठीक नहीं रहता। लेकिन इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, अगर आपका कटआउट खुल जाता है तब आप कर सकते हैं थोड़ा टेम्पररी, थोड़ा बाइक की तरह आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाता है। या आप कोई भी बाइक का चार्जर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें बैग जो कार की बैटरी उसको चार्ज करने के लिए। बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं अल्टरनेटर चेंज करूँगा तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा कि कौन सा अल्टरनेटर लेके आया और कौन सा लगाया। तो ये जैपनीज़ है, तो इसका जो नाम है ये एकदम मिट चुका है, तब भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जैपनीज़ लोगो जो है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका जो कटआउट है वो 1700 से 2500 के बीच में मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये पूरे अल्टरनेटर का हाफ प्राइस ले रहा है, हाफ से ज़्यादा ही ले रहा है, क्योंकि 4000 में पूरा अल्टरनेटर ही नया मिलता है। तो इस पे इतने पैसे खर्च करने का कोई वैसे मतलब नहीं है, तो मैं इसको जो है 1000 के अंदर ही जाके इसको बदल के जो है दूसरा मैं अल्टरनेटर ले आऊँगा, और कौन सा लूँगा वो भी आपको बता दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।